वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करने वाले हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्या करना है हमें, ये जो नंबर्स है हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है 9 और 15, इसका क्या करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 9। अभी देखो 9 का मल्टीप्लाइज हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने कैसा फैक्टर निकाला था, वैसे हम क्या करेंगे, 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 के 9 जो है 9 का टेबल लिखना है, 9 18। ये देखो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइज ऑफ 9, 9 का क्या हो गया, ये मल्टीप्लाइज हो गया। अभी हमें सेकंड में किसका निकालना है, 15 का। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 15, तो यहाँ पे 15 का टेबल लिखेंगे। और आगे तक ओके, अभी क्या करना है, इनका एलसीएम लिखना है, इन दोनों में एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब आपको पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी इन दो जो 9 और 15 में जो नंबर कॉमन है और क्या है, छोटा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर 45 और इसमें भी देखो 45 है, 90 और इसमें भी 90 है। देखो 9 के भी टेबल में और 15 के भी टेबल में क्या है, 45 90 है, 45 और 90 है। बट हमें क्या वाला, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 45। 45 क्या है, छोटा है। देखो 45 और 45 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 क्या है, ये 45। तो इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड है 2, 3 एंड 5, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 2, 2 का टेबल लिख लेंगे, 2 3 4 6। यहाँ पर अभी 3 का टेबल लिखेंगे, 3 6। अब मल्टीप्लाइज ऑफ 5 लिखेंगे, 5। ओके, अभी क्या लिखना है इसका, हमें एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। अभी हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन नंबर खोजेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 30। देखो 3 के टेबल में 30 और 5 के टेबल में 30, बट 2 के टेबल में 30 है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है, 2 को एक्सटेंड करेंगे मीन्स बढ़ाएंगे। देखो अभी 20 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ऐसे ही हमें 30 तक करना है। अभी देखो ये क्या हो गया, 2 का टेबल, तो यहाँ पे देखो 30 आ गया है और मल्टीप्लाइज ऑफ 3, 3 के टेबल में देखो यहाँ पर 30 है और 5 के टेबल में यहाँ पे देखो 30 है। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इसका क्या हो जाएगा, 30। नेक्स्ट देखो 12 एंड 28। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 का लिख लेते हैं, 28। अब वैसे ही मल्टीप्लाइज ऑफ 8 का टेबल लिखना है, 28, 56, 84, 112। ये देखो ये हो गया 28 का टेबल। अभी हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी देखो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 84 और यहाँ पे देखो 84, 28 के भी टेबल में 84 है और 12 के भी टेबल में 84 है। तो ये जो दोनों में कॉमन है, तो इस 12 एंड 28 का एलसीएम हो जाएगा 84। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 15 एंड 20 का एलसीएम फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाइज ऑफ 15 लिखेंगे, यहाँ पे 15 का टेबल लिखेंगे पहले, और
ओके, अभी नेक्स्ट है 20 का टेबल, तो यहाँ पर 20 का टेबल लिखेंगे। ये हमने 15 और 20 का एलसीएम फैक्टर्स निकाल लिए। तो यहाँ पे देखो 15 नहीं है, 30 नहीं, 60 देखो यहाँ पे इसमें क्या है, 15 के टेबल में 60 है और 20 के टेबल में देखो यहाँ पर 60 है। तो जो 60 क्या है, सबसे लोवेस्ट नंबर है और क्या है इसका, कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20 इज 60। ओके, ये हमारा आंसर फोर्थ क्वेश्चन का आ गया। देखो फिफ्थ है, मल्टीप्लाई 8 और 11 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो मल्टीप्लाईज ऑफ 8 निकालेंगे पहले, तो 8 का टेबल लिखेंगे। ये हो गया 8 का। अभी हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 11, तो 11 का टेबल लिखेंगे। ये हो गया 11 का। अब इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो अभी देखो हम यहाँ पे कॉमन नंबर खोजेंगे जो दोनों ही टेबल में सेम हो। यहाँ पर देखो 88 है, बट 8 के टेबल में है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को और एक्सटेंड करेंगे। तो 8 के 80 में और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। 88 में और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। अभी देखो यहाँ पर हमें 88 8 के भी टेबल में है और 88 11 के भी टेबल में है। तो जो 88 है ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 11 इज 88। ओके, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने एलसीएम इसका 1 to 50, इस क्वेश्चन का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अभी हम क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, ऑन द प्ले ग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 to a row और 25 to a row, ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चिल्ड्रन इज लेफ्ट आउट, व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। देखो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल, उस स्कूल में लोवेस्ट पॉसिबल नंबर बच्चों का कितना है, ये निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, जो 20 है और 25 है इसका क्या करेंगे, लोवे एलसीएम निकालेंगे। जब 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर रहेगा, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। देखो तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, इन दैट स्कूल विल बी दी एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। देखो इस, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम 20 का मल्टीप्लाइज निकालेंगे और 25 का मल्टीप्लाइज निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 20। देखो 20 का मल्टीप्लाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाइज, 20 का टेबल लिखेंगे। और सो इसका मतलब है और आगे भी। अभी क्या करेंगे, 25 का टेबल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 25। देखो 25 का मल्टीप्लाइज क्या हो जाएगा, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 और आगे भी कैरी कर सकते हैं। ओके, अब इसका क्या लिखना, क्या लिखेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। अभी देखो एलसीएम इसका हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 के टेबल में 100 है और 25 के भी टेबल में क्या है, 100 है। तो जो 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। ये क्या आ गया, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। यहाँ पे फाइनल में हम आंसर में लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे दी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर
were of children in that school is 100. तो यहाँ पे लिखेंगे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज 100. तो ये देखो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन है वीना हैज अ सम बीड्स. बीड्स का मतलब होता है मोती. तो देखो वीना के पास कुछ मोती है. शी वॉन्ट टू मेक अ नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच. वो क्या बनाना चाहती है, मोतियों की माला बनाना चाहती है, नेकलेस बनाना चाहती है. और जो हर एक नेकलेस है, हर एक नेकलेस में सेम बीट्स आने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ बीट्स आने चाहिए. इफ़ शी मेक्स अ नेकलेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीट्स देर इज़ नो बीट्स लेफ्ट ओवर. अगर उसने 16, 24 और 40 मोतियों की माला बनाई बनाई देर इज़ नो बीट लेफ्ट ओवर और एक भी मोती उसके पास नहीं बचा है. तो वॉट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ हर. तो उसके पास कम से कम कितने नंबर ऑफ बीट्स है, कम से कम कितने नंबर ऑफ क्या है मोती है हमें इसमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे 16, 24 और 40 का एलसीएम निकालेंगे. इसका जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स होगा. वो तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ वीना will be the LCM of 16, 24 and 40. Number of bits क्या होंगे 60, 24 और 40 का LCM ही क्या होगा, least number of bits होगा. तो यहाँ पर निकालेंगे multiplies of 16, multiplies of 16. तो देखो 16 का हम टेबल लिखेंगे यहाँ पे. ओके ये हमने लिख लिया 60 का टेबल. नेक्स्ट हम लिखेंगे 24 का. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 24 ओके ये हो गया 24 का. अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 40 का मल्टीप्लाइज ऑफ 40, 40, 80, 120, 160 ऐसे लिखना है हमें. ये 400 ये क्या कर लिया हमने, इनका मल्टीप्लाई निकाल लिया. अभी क्या करना है, इनका एलसीएम लिखना होगा. लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40. ओके तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन नंबर फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो 24 के टेबल में 240 है और 40 के टेबल में 240 है. ओके बट 16 के टेबल में 240 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे इस 16 के टेबल को और एक्सटेंड करेंगे, 160 में और 16 ऐड करते जाएंगे. तो देखो 160 में और 16 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 176, 176 में 16 ऐड करेंगे तो मिलेगा 192, और ऐड करेंगे 208, और ऐड करेंगे तो 224 और 240. यहाँ पे देखो 16 के टेबल में हमें क्या मिल गया, 240 मिल गया. यहाँ पर जब आपके 16 तक टेबल लिखना है, अगर आपको नंबर दोनों में कॉमन, इस नंबर थर्ड नंबर में कॉमन नहीं मिले तो क्या करना है, इस नंबर्स को एक्सटेंड करना है. तो यहाँ पे देखो 240 16 के भी टेबल में आ गया, 24 के भी टेबल में आ गया और 40 के भी टेबल में आ गया. इट मीन्स इस एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40 का क्या हो जाएगा, 240 ये हो जाएगा इसका एलसीएम. ओके तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ वीना इज 240. लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ वीना, वीना के पास लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 240.
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेकंड का भी हमारा आंसर आ गया है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो इस प्रैक्टिस सेट में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन थर्ड देखो, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस इन थ्री डिफरेंट बॉक्स। तीन डिफरेंट बॉक्स में, तीन अलग अलग बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज रखें। इट मीन इसका मतलब है अगर एक बॉक्स में जितने लड्डू होंगे उतने ही लड्डू दूसरे बॉक्स में भी होंगे और उतने ही लड्डू तीसरे बॉक्स में भी होंगे। ओके, द लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 20 चिल्ड्रन इक्वली। जो फर्स्ट बॉक्स के लड्डू थे वो 20 20 चिल्ड्रन में इक्वली बांटे गए, मीन्स हर एक बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज आए। द लड्डूज इन द सेकेंड बॉक्स अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन एंड दोज इन थर्ड बॉक्स अमॉन्ग 12 चिल्ड्रन। जो सेकेंड बॉक्स में जितने लड्डू थे वो उतने लड्डू 24 चिल्ड्रंस को इक्वली बांटे गए और तीसरे बॉक्स में जितने लड्डू थे वो 12 चिल्ड्रंस को इक्वली बांटे गए। नॉट अ सिंगल लड्डूज वॉज लेफ्ट ओवर, एक भी लड्डू क्या हुआ नहीं बचा। देन वाट वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन दी थ्री बॉक्सेस ऑल टुगेदर। तो तीनों बॉक्स में कितने लड्डू थे एक साथ, तीनों बॉक्स में कितने लड्डू थे, तो इसका आंसर अभी हम निकालते हैं। तो देखो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द मिनिमम लड्डूज ऑफ इन वन बॉक्स इज़ द एलसीएम ऑफ 20 24 एंड 12। 20 24 एंड 12 का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा, लड्डूज इन वन बॉक्स होगा। ओके, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाइज ऑफ 20 लिखेंगे, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 एंड 200। ये हमने मल्टीप्लाइज 20 का निकाल लिया। अभी हम निकालेंगे 24 का मल्टीप्लाइज ऑफ 24 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240। वैसे 12 का लिखेंगे, 12 का टेबल लिखेंगे, 12 अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई निकालने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 24 एंड 12। तो देखो एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें तीनों में हम देखेंगे कौन सा नंबर सेम है और छोटा भी है। तो यहाँ पर देखो 122, देखो इसमें भी देखो 24 के भी टेबल में 122 और 12 के भी टेबल में देखो 122। तीनों में क्या है, ये तीनों नंबर तीनों में कॉमन भी है और क्या है छोटे भी हैं। इसके अलावा कोई दूसरे नंबर क्या है, क्या नहीं है। वन एलसीएम ऑफ 20 24 एंड 12 का क्या हो जाएगा, 120। ओके, ये तो मिल गया हमें वन बॉक्स। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, तीनों बॉक्स में थ्री बॉक्स में कितने नंबर्स ऑफ लड्डूज होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 120। एक बॉक्स में कितने लड्डू है, 120 लड्डू है। तो हमें कितने बॉक्स के निकालने थे, थ्री बॉक्स के निकालने। तो यहाँ पे हम और लिखेंगे देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन थ्री बॉक्सेस। तो थ्री बॉक्सेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टी देखो 12 3 36 और ये 0 एज इट इज, तो कितना आ गया 360। तो तीन बॉक्स में कितने लड्डू टोटल थे, 360 लड्डू थे। तो यहाँ फाइनल में आंसर में हम लिखेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन थ्री बॉक्सेस आर 360। तो 360 ऑल टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन थर्ड का हमारा आंसर आ गया है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन फोर देखो, वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट स्क्वेयर ऑन द सेम बिग रोड। देखो थ्री डिफरेंट स्क्वेयर
स्क्वायर का मीन्स होता है चौक। जैसे देखो गाड़ी यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी जाती है। इस चौक में क्या है, थ्री डिफरेंट स्क्वेयर, इस चौक में थ्री डिफरेंट लाइट है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। उसमें से देखो हमें क्या बोला है, दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड। उसमें से हमें ग्रीन कलर के बारे में बोला है, एक जो लाइट है वो 60 सेकेंड में ग्रीन होता है, एक सेकेंड वन जो लाइट है वो 120 सेकेंड में ग्रीन होता है, और जो थर्ड वन लाइट है वो 24 सेकेंड्स में ग्रीन होता है। वेन द सिग्नल्स वेयर स्विच ऑन 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑल द लाइट्स वेयर ग्रीन। जब 8 o'clock मॉर्निंग में 8 o'clock को स्विच ऑन किया तो हर एक कलर लाइट, जो हर एक लाइट थे उनके कलर ग्रीन थे। हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल दी थ्री सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन। तो कितने समय बाद वापस वो कलर इनका ग्रीन होगा हमें इसमें बताना है। वो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ऑल द सिग्नल्स विल टर्न ग्रीन फॉर एलसीएम ऑफ 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड। तो इनका एलसीएम आएगा वही क्या होगा, सिग्नल का टाइम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 60, पहले हम 60 का मल्टीप्लाइज निकालेंगे, वो 60 का टेबल लिखेंगे। ओके, ये हो गया 60 का। अभी हम लिखेंगे सेकेंड वन 120 का। देखो तो 120 ये हो गया, 120 का मल्टीप्लाइज मीन्स फैक्टर हो गया। अभी लास्ट वन निकालेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 24, यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाइज लिखते हैं, 24 48 72 96 120 1144 और सो ऑन। ओके, अब इसका क्या लिखना है, हमें एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम ऑफ 60 120 एंड 24। तो देखो इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 60 के टेबल में 122 और 122 के टेबल में देखो 122 और 24 के टेबल में 122, ये तीनों में क्या है, तीनों नंबर कॉमन है। तो 60 120 एंड 24 का कॉमन मल्टीपल नंबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ ये कितना सेकेंड्स है, 120 सेकेंड्स, ये मिल गया हमें एलसीएम। और यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे दी सिग्नल विल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन एंड आफ्टर 120 सेकेंड्स। मीन्स 120 सेकेंड्स में जितने भी लाइट्स है 120 सेकेंड्स बाद क्या होंगे, ग्रीन होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन फोर्थ का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन फिफ्थ है, गिवन द फ्रैक्शन 13/45 एंड 12/22/75, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर एंड एट द फ्रैक्शन। फर्स्ट हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है विद द सेम डिनोमिनेटर। इसका जो फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है सेम डिनोमिनेटर, और बाद में उसे क्या करना है, एट द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, 45 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में लिखेंगे द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 45 एंड 75 विल गिव द सेम डिनोमिनेटर। देखो सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 45 और 75 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 45। देखो 45 का पहले मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो 45 90 135 180 225 270
315, 360 और सो ऑन। ओके नेक्स्ट निकालेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 75। तो 75, 150, 225, 300, 375 और 450 एंड सो ऑन। ओके इतना हमने निकाल लिया। अब इसका हम लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 45 एंड 75। तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसमें देखो 45 के टेबल में 225 है और 75 के भी टेबल में देखो 225, दोनों में क्या है नंबर कॉमन है। तो जो 45 और 75 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 225 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया एलसीएम। अभी हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन दिया था उस फ्रैक्शन का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया था, 30/45। ओके तो अब इसका फ्रैक्शन देखो, हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। अभी 225, 45 को 225 लाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 225। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13/45। वो 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 225। रूल क्या कहता है, अगर हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 5 16 5 और 45 5 225, इसका आ गया। अभी सेकेंड वाले का निकालते हैं। देखो सेकेंड वाला क्या दिया था, 22/75। अभी देखो 75 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 225 है, 1, 2, 3। 75 को किस से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे 22/75, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी 3 से। तो 22 3 ज़ा 66, 75 3 ज़ा 225। देखो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन में बोला था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जो दोनों भी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी देखो इस फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है और सेकेंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और उसके बाद क्या बोला था, इनको हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो 13/45 + 22/75। अभी देखो ये तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है। तो इसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकाला है, 13/45 का 16/225 और इसका 66/225। तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, इस नंबर्स को लिखेंगे, इसकी जगह पे ये नंबर लिखेंगे 65/225 + 22/75 की जगह पे 66/225 लिखेंगे। अभी देखो बेस सेम है तो हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, 65 + 66/225 ले लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 131 और डिनोमिनेटर मिलेगा 225। तो यहाँ पे देखो हमने ऐड भी कर लिया और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकाले, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम फाइनल में आंसर में लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 13/45 एंड 22/75 इज 65/225 एंड 66/225। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 30/45, 20/75 का क्या है, 16/225 और 66/225। ये हो गया फर्स्ट आंसर। और सेकेंड आंसर है एंड द एडिशन ऑफ 13/45 एंड 22/75 इज 131 और 225। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है। आपको अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।